साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आप सबको पता है कि 12489 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति, विवरण, सारी चीज़ें जानकारी दे दी गई है। यहां तक कि व्यापम में 6 तारीख से फॉर्म डालना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच आप लोग देखे होंगे कि इतनी सारी विसंगतियाँ आपके सामने दिख रही होगी कि कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है, कुछ जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उनको मैं इस 5 से 6 मिनट के अंदर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, जैसे आप सबसे पहले मैं इस प्रपत्र के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो फिल कर चुके हैं या फिल करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथियों, कई लोगों ने मेरे पास ये PDF भेजकर पूछने का प्रयास किया कि सर, ये क्या वैकेंसी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो मैं इसको सरसरी तौर पर केवल देखा था कि ये तो क्या सामान्य जानकारी है, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें, बहुत सारा मैसेज आने लगा, बहुत सारे सवाल आने लगे, तो मैंने इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया। तो साथियों, सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति होते रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करने बाबत, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें मुझे यहाँ पे लगी। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो, कि संयुक्त संचालक बस्तर एवं सरगुजा कृपया दिनांक 3 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता की उपलब्ध कराई रिक्तियों के अतिरिक्त शेष रिक्त पदों की जानकारी तैयार करें। यहाँ पर खटकने लगा, तो मैंने जब धीरे से नीचे जब देखा तो सहायक शिक्षक, यहाँ विज्ञान कुछ नहीं पूछा, केवल सहायक शिक्षक पूछा गया है। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, सभी के लिए पूछा गया है। EVT हेतु पृथक पृथक प्रपत्र का उपयोग करें। ठीक उसी प्रकार से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला ही यहाँ पे प्रयोगशाला बन सकता है, इसके लिए आप देखेंगे सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर के लिए भी यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के लिए सभी संभागों के लिए पूछा गया। साथ ही साथ नीचे में आप देखेंगे टिप में, तो यहाँ पे व्यायाम शिक्षक, सहायक कोच, ग्रंथपाल, निम्न वेतन वाला, कृषि विज्ञान, तबला, संगीत, सारी चीज़ें यहाँ पे EVT पृथक पृथक जानकारी मांगी गई है। उसके बाद यहाँ व्याख्याता के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए जानकारी मांगी गई है। तो साथ में आपको बताना चाहूँगा, कुछ कुछ जानकारी अभी मैंने न्यूज में भी देखा है, तो दोनों मिलाकर ये लग रहा है कि जो बताया जा रहा है कि नई वैकेंसी और आएगी इसी में ऐड करके, मतलब 12489 पदों के अलावा और कुछ इससे या बड़ी संख्या में आने वाली है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है साथियों कि जो अभी सरगुजा बस्तर में विषय बाध्यता का जो खत्म कर दी है शिक्षक के लिए, वो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला है, क्या करने वाला है, या तो सरकार जाने कि क्या चीज़ें वो करने वाली है, लेकिन ये अभी तक समझ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और आगे भी भर्ती और जैसे इस प्रपत्र के आधार पर तो रिक्त पदों की जानकारी और जुड़ी जाएगी, तो मेरे ख्याल से तीनों संभाग, दूर संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में भी आने की पूरी पूरी चांसेस है। जहाँ तक ग्रंथपाल हो, व्यायाम शिक्षक हो, कृषि विज्ञान शिक्षक हो, तबला, संगीत, सारी चीज़ें वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से 10 से 11 तारीख तक के अंदर, 10 या 11 तारीख के अंदर फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और उसी में हो सकता है। तो ये रहा वैकेंसी के बारे में कि और नई भर्ती आ सकती है, इसका पूरी पूरी संभावना लग रही है। तो मेरे ख्याल से धैर्य के साथ जो फॉर्म फिल करें। अब चलते हैं फॉर्म भरने वाले स्थिति में, तो फॉर्म थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। इसमें तो उसका मेरे पास प्रपत्र नहीं है, मैं भर के देख रहा था। तो साथ ही वहाँ पे एक चीज़ मेरे लिए, वहाँ पे शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता, तीनों के लिए ही फॉर्म भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट के आधार पे, चाहे वो 10वीं से हो या 12वीं बेस से, उसमें जो लिखा है आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें एकदम ध्यानपूर्वक आप भरिएगा। यदि आप सेंटर में भी जाते हैं तो सेंटर में खुद बैठिए उसके सामने और अपने आंखों के सामने भरवाइए। सबसे पहले कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, बाकी चीज़ तो ठीक है, नॉर्मल है। आप DED हैं तो DED में क्लिक करेंगे, BED है तो BED में क्लिक करेंगे, CGTET है CGTET में क्लिक करेंगे, CTET है तो CTET में क्लिक करेंगे, DLED है तो DLED में क्लिक करेंगे। ठीक उस प्रकार से आगे आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, हायर सेकेंडरी का पूरा परसेंटेज आप भरेंगे। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि वहाँ पे लिखा है
कि जो प्राथमिकता क्रम है, चाहे वो संभाग हो चाहे जिला हो, जिसका प्राथमिकता क्रम आपको फॉर्म भरते समय ही भर लेना है, बाद में समय मौका नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन नहीं दे रहा है, ना तो जिलों का नाम दे रहा है कि कौन कौन से में आपको फिल करना है, ना को तो प्राथमिकता के चयन करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका भी अपडेट जरूर आएगी यदि ऐसा कुछ करना है तो साथियों फॉर्म फिल करने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक थोड़ा आराम से भरिए। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो में, और बाकी कुछ जानकारी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, उसके आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।